तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्राइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, फ्री फायर मैक्स जो हमारा एप्लीकेशन है डाउनलोड नहीं हो रहा है आज, और मतलब हमेशा होता रहता है लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कभी कभी सर्वर इसका लूज पड़ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे हम यहाँ पर सर्च में जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं फ्री फायर मैक्स लिख के सर्च करेंगे, ठीक है। और जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने ऐसा पेज आता है और हम इसमें इंस्टॉल करने का प्रयास करते हैं तो बस पेंडिंग लिखाता है, ऐसे गोल गोल घूमता है लेकिन डाउनलोड इंस्टॉल नहीं होता है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसे हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको क्या करना है आज मैं आपको एक एक सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम जान रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंस्टॉल करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है। बार बार कोई इसमें शो हो रहा है या कोई तो पॉपअप बनकर आ जा रहा है, इस तरह से कैन नॉट डाउनलोड जी रीना, इस तरह से तरह तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपल आपको बैक आ जाना होगा, ठीक है। बैक आने के बाद कॉर्नर पर आपका नाम का पहला अक्षर या तो लोगो दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर जाना है और इस पे जाने के बाद सबसे पहले आप चेक करेगा आपके फ़ोन का डेटा अच्छे से तो ऑन है और डेटा स्पीड वगैरह तो ठीक है। यदि इतना कुछ ठीक है तो सिंपल आप यहाँ पे चेक करिएगा, जैसे देख सकते हैं 78 GB, आप 112 GB, इन 112 GB में से 78 GB हमारा यूज है, यानी इसमें से माइनस यदि किया जाए तो लगभग यहाँ पे 34 GB स्पेस हमारे फ़ोन में है और 2 GB की 1.5 GB की ऐप है तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। यदि आप में स्पेस नहीं है तो सबसे पहले जगह बनाएगा मेरे प्यारे मित्रों और कोई वीडियो ऐप वगैरह डिलीट करके, ठीक है। फिर इसके ऊपर सी डिटेल्स का ऑप्शन है, सी डिटेल्स पर क्लिक करिएगा और देखिएगा यहाँ पर कोई एप्लीकेशन पहले से तो नहीं डाउनलोड हो रही है। यदि पहले से हो रही तो इसको कट कर दीजिए, क्योंकि जब तक पुरानी ऐप यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो जाएगी तब तक नई वाली ऐप डाउनलोड नहीं होगी, तो इसको कट कर देंगे तो आसानी से डाउनलोड होने लगेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और वापस से बैक आएंगे और इतना करने के बाद भी आपका ऐप नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे के साइड स्लाइड करना है और स्लाइड करने पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स या मैनेज ऐप्स का, ठीक है। इस ऐप्स पर क्लिक करना है या मैनेज ऐप पर क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद मैं मैनेज ऐप पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कि आपका गूगल प्ले स्टोर कहाँ है। यदि ना मिले यहाँ पे नीचे स्लाइड करने पे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन, इसमें आप लिखिएगा GOOG। जब तक GOOG लिखेंगे नीचे आ जाएगा गूगल प्ले स्टोर, आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन नीचे है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। वापस से अपने प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक मिनट तक यह प्ले स्टोर अपडेट होता है, तो एक मिनट कहीं कुछ क्लिक नहीं करना है, एक मिनट के बाद इसमें कहीं क्लिक करना है। एक मिनट तक हम भी वीडियो को पॉज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मिनट हो चुका है। सिंपल हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, गेम ऐप्स मूवी बुक्स का, ऐप्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सर्च के ऑप्शन में आपको जो भी गेम मतलब जो हमारी गेम है फ्री फायर मैक्स, इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं लिखता हूँ FREE और इसके बाद FIR फ्री फायर मैक्स MAX, मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ। और सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे गेम आ चुकी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इंस्टॉलिंग होने लगेगी, बस थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वेट करना है, ऊपर हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और डाउनलोड भी होने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, मेरे प्यारे मित्रों आप लाइन पर बस बने रहिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जी एरिना फ्री फायर मैक्स डाउनलोडिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, परसेंटेज भी 1% हो चुका है, यानी डाउनलोड अब हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।